फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ दुबई कबड्डी मास्टर 2018 टूर्नामेंट के लिए इंडिया टीम के स्टार्टिंग सेवन। तो आपको क्या करना है, बस शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखते रहना। फ्रेंड्स, पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी जहां पर मैंने आपको बताया है इंडिया टीम की स्क्वाड, अगर आपको स्क्वाड ही पता नहीं होगी तो आप स्टार्टिंग सेवन सही नहीं बना पाओगे। तो फ्रेंड्स, पहले तो आप क्या करो यार, ऊपर जो आई बटन है वहां पर क्लिक करके उस वीडियो को देख लो जहां पर मैंने आपको स्क्वाड बताई है, और एक और वीडियो है जहां पर मैंने आपको स्टार्टिंग डेट, फिक्चर, शेड्यूल सब बताई है। तो उन दोनों वीडियोस को देख लो, ऊपर आई बटन पर मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये बस एक प्रेडिक्शन है, तो आप ऐसा मत समझ लीजिएगा कि बिल्कुल हमें ऐसा स्टार्टिंग सेवन देखने को मिलेगा। इसमें कुछ चेंजेस भी हमें देखने को मिल सकते हैं। सेंटर पर हमें देखने को मिल सकते हैं प्रदीप नरवाल, लेफ्ट कवर पर मनजीत चिल्लर, राइट कवर पर सुरजीत सिंह, और उसके बाद जो लेफ्टिन होंगे वो राहुल चौधरी, राइटिन अजय ठाकुर जो कप्तान है इस टीम के, और उसके बाद जो राइट कॉर्नर हमें देखने को मिल सकते हैं वो होंगे संदीप नरवाल, और लेफ्ट कॉर्नर सुरेंद्र नाडा। तो ये हो सकती है इस टीम की स्टार्टिंग सेवन। तो जैसा मैंने आपको बता दिया कि अजय ठाकुर यहाँ पर कैप्टन होने वाले हैं, और यहाँ पर कुछ प्लेयर हैं जो स्टार्टिंग सेवन में जो अपना जगह बना सकते हैं। सबसे बड़ा नाम दीपक निवास हुडा। दीपक निवास हुडा को यहाँ पर मैंने इसलिए नहीं रखा क्योंकि इस टीम की रेटिंग मजबूत है, तो अगर यहाँ पर दीपक हुडा खेलते हैं तो मुझे लगता है मनजीत का पत्ता कटेगा वहाँ से, और मनजीत लेफ्ट कवर पे हमें नहीं देखने को मिलेंगे। तो अगर हमें दीपक हुडा लेफ्ट कवर पे देखने को मिलेंगे तो आजकल दीपक हुडा उतनी डिफेंडिंग कर नहीं रहे हैं, तो वो अच्छे से शायद शील्डिंग ना कर पाए, तो इंडिया टीम की जो डिफेंस है वो कमज़ोर हो जाएगी। और अगर दीपक निवास हुडा को हटा दिया जाता है, वहाँ पर मनजीत को ही खिलाया जाता है, तो मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम होगा क्योंकि आपके पास दो परफेक्ट कवर, दो परफेक्ट कॉर्नर और तीन परफेक्ट रेडर हैं आपके पास, तो इस तरह टीम अच्छी होगी। और यहाँ पर ग्रीस मारुति नैक का भी चांसेस बन सकता है मनजीत चिलर की जगह। तो मनजीत चिलर पर मुझे थोड़े बहुत डाउट है लेफ्ट कवर पे, और राइट कॉर्नर और लेफ्ट कॉर्नर मुझे लग रहा है वही होंगे, और जो राइट कवर है वो भी वही होगा सुरजीत सिंह, और रेडर है उसमें मुझे प्रदीप, राहुल और अजय ठीक लग रहे हैं, पर उसमें भी कोई चेंजेस देखने को मिल सकता है। अजय ठाकुर मुझे लगभग कन्फर्म लग रहे हैं, अगर प्रदीप और राहुल अच्छा खेलते हैं तो वो भी बिल्कुल कन्फर्म है, अगर इनमें से किसी का परफॉर्मेंस बिगड़ता है तो यहाँ पर हमें शायद रेशांक, रोहित की एंट्री हमें देखने को मिली, यहाँ पर मोनू भी है, तो ये टीम बहुत अच्छी है। कोई प्लेयर ख़राब भी खेले तो ये टीम बहुत रिप्लेस कर सकती है, और यहाँ पर टीम इंडिया हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन बताइए आपको इंडिया टीम की स्टार्टिंग सेवन कैसी लगी, अपनी स्टार्टिंग सेवन नीचे कमेंट सेक्शन बताइए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को बजाइए ताकि जैसे अगली कबड्डी वाली वीडियो बनाए उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और आपको कुछ नहीं करना, बस अगली वीडियो के लिए वेट करना है।